आपका जो करंट आपका कंफर्मेशन और न्यूज निकल के आ रही है उसके रिगार्डिंग हम बातें करेंगे। अगर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। इससे रिलेटेड आपका जो न्यूज जो निकल के आ रही है और आपका जो कंफर्मेशन है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो देखिए इस तरह से आपका दो तीन न्यूज आज जो हुआ है उसका हम समीक्षा करेंगे और पूरा डिटेल में हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे इसके रिगार्डिंग। नो डाउट, चलिए इसे एक बार इसको हम शेयर कर देते हैं और चेक कर लेते हैं वॉइस इज ओके और नॉट, देन हम आगे स्टार्ट करते हैं। आपका रिजल्ट डेट और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या फॉर्मेलिटीज है, आपका कट ऑफ से रिलेटेड, आपका ऑब्जेक्शन, सभी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। इसलिए हम आपका लाइव आए हैं, अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो आपका क्वेश्चन भी यहाँ पर नो डाउट आपको सोल्व आउट किया जाएगा। इन्हें हम जो लोग ज्वाइन करते जाएंगे वो अपना अपना क्वेश्चन पूछते जाएंगे और चलते हैं आपके आपके पॉइंट्स पर। क्या क्या पॉइंटर्स हैं, पहले पॉइंट्स देखिए ध्यान दीजिएगा। बिहार के पाठक जो है बिहार सचिव के आपका ऊपर यानी मुख्य सचिव जो है आपका बिहार शिक्षा विभाग के लिए, ये टोटल बिहार शिक्षा विभाग का है। बीपीएससी का अलग मुद्दा होता है, वो रिजल्ट प्रकाशित करने का हक है। आपका ज्वाइनिंग कब होगा, रिजल्ट आपका जो होगा फाइनल वेरिफिकेशन होगा, फाइनल आपका डीवी होगा, अलॉटमेंट्स होगा, सब कुछ अब इनके हाथों में आ गया यानी बिहार शिक्षा विभाग का। इसके उप महासचिव जो आपको कह सकते हैं अपर महा मुख्य सचिव जो हैं के पाठक जी है, इनके तरफ से ये आपका नोटिफिकेशन आया। कई लोग इसमें पूछ रहे थे सर डेट नहीं है, फेक है, न्यूज़ है, इस सारी चीज़ों को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इसमें आपको नोट में पड़े देख सकते हैं। ये डेट के साथ ये साइन किया हुआ, तो ये सारी चीज़ें हैं। इन्हें हाँ चलते हैं आप मेन मुद्दे पर। आपका अगर आप देखिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित यानी बीपीएससी द्वारा प्रथम चरण के लिए जो TRE एग्जामिनेशन हुआ था वो फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन इसमें कंडक्टेड हुआ था, उसको प्रथम चरण। अब से नेक्स्ट आपका जो वैकेंसी आएगा नो डाउट 70,000 या उससे ज़्यादा आता है जो भी आएगा, लगभग नोटिफिकेशन 15 अक्टूबर तक प्रस्तावित है या 15 से 20 तक आएगा और 9 नवंबर तक उसका फॉर्म भरने का डेट है। उसके बाद आपका एग्जामिनेशन होगा, ये आपका Tier 2 के लिए होगा। महाशय यानी आप सबको संबोधित कर रहे हैं, आप अवगत हैं अगर माह अगस्त में आपके जो 24-25-26 को अगस्त को एग्जामिनेशन हुआ था कि अंतिम सप्ताह में बिहार लोक सेवा द्वारा सरकारी स्कूल में शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा दी गई थी। उक्त परीक्षा के परिणाम शीघ्र ही घोषित होने की आशा है। और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे आपका जो DLED वाला किसके पक्ष में जाएगा, 9 तारीख को रिजल्ट आने वाली उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे और सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा, क्वेश्चन आप पूछते जाइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर से जरूर। सब्सक्राइब करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। एनीहाउ चलिए इसको हम डिटेल से जानेंगे। आपको पता है मैं लाइव इसलिए आता हूँ ताकि आपके क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सके और साथ में आपको अवगत भी कर सकें। परिणाम घोषित होने के पश्चात शिक्षा विभाग को बड़ी संख्या में शिक्षकों के योगदान एवं अनौपचारिकताओं को पूरा करना होगा। इस हेतु अनुरोध है कि जिला मुख्यालय में एक ऐसा स्थल चयनित कर ले जहां औसतन 2 से 3 हज़ार यानी जो भी जिला का मुख्यालय होगा उसमें एक अभी चयनित होगा, अभी ये सारी चीज़ें प्रस्तावित है, ये कंफर्मेशन नहीं है अभी, यानी वो अभी ये सारी चीज़ें प्रक्रिया चलेगी लेकिन बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। दैट्स आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट दीज थिंग्स। चलिए इसे अनुरोध करते हुए ये सारे जहाँ पर 2 से 3 हज़ार इसकी संख्या आगे पीछे भी हो सकती है, प्राप्त अनुभव के आधार पर इन काम के लिए आपके जिले में उपलब्ध जिला निबंटन एवं परामर्श केंद्र DRCC जिसको कहते हैं यानी जिला डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन या कुछ कहते हैं, इसमें फुल फॉर्म बाद में देख जान लीजिएगा, इसके आपको मेन जानने की जरूरत है। जिला निबंधक एवं परामर्श केंद्र होगा और पूर्णतः ये 2019 में भी हुआ था और जिला स्तर पर जो आपको नियुक्ति पत्र मिला था ये सारी चीज़ें सेम चीज़ों को दोहराया जा रहा है लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज है, सब चीज़ें ऑनलाइन होगा ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। इस पिछले बार भी कंप्यूटर बेसिस पर वो चेक किया था लेकिन ऑफलाइन सभी लोगों ने जाकर के सबमिट किया था अपने हार्ड कॉपी जो सारी चीज़ें हैं, इस बार ऑनलाइन होगा। इसमें नो डाउट कई चीज़ें चेंजेस देखने होगा तो आपको भी उसी तरह से आपको अपने आप को डाइवर्ट करना पड़ेगा और ढालना पड़ेगा अपने आप को। तो क्या चीज़ें हैं ये जानने की, प्राप्त अनुभव के आधार पर इसके अतिरिक्त एक अल्टरनेट स्थल भी चयनित तौर पर बैकअप के रूप में रहेगा। मान लीजिए ये DRC क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल चलेगा, मे बी वहाँ नेटवर्क इशू या इलेक्ट्रिसिटी इशू या कोई इशू आए तो उसके लिए एक बैकअप भी तैयार करके रखा जा रहा है। हर एक जिला में ये होगा, 38 टोटल जिला है आपको ऑलरेडी पता है, तो हर एक जिला में आपको अपने जिले में अपने आसपास में जो भी रहेगा, मान लीजिए कोई गया से है तो गया या फिर पूर्णिया है, पटना है, भागलपुर है, ये सारे जगह बेगूसराय है, लखीसराय है, तो वहाँ आसपास में जितने भी गांव के आसपास में होंगे फिर लखीसराय में जा करके या पटना में जा करके अपना करवा लेंगे। और जितने भी बाहर के अदर स्टेट वाले उनको सब लोग को जो बिहार की राजधानी है पटना में आपको बुलाया जाएगा। तो
अल्टरनेट रहेगा, मतलब एक बैकअप के लिए रहेगा उनके पास। केंद्रीकृत रहेगा यानी सेंट्रलाइज रहेगा तरीके से, एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, बनाया गया है मतलब इन पर काम ऑलरेडी हो चुका है, इस तरह से इनका कहना है। जो आप बातों को समझिएगा, आपके क्वेश्चनों को मैं नो डाउट देख रहा हूँ और आपके क्वेश्चन को भी लिया जाएगा, क्योंकि कई लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रदीप झा जैसे जी, हाय सर, 51 में जैसे यूपी में फीमेल में, देखिए इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। अभी बीएड और डीएलएड की समीक्षा के बाद बीएड को लेना है, लेकिन उस पर भी हम चर्चा करेंगे थोड़ा बहुत। उसमें अगर कंसीडर होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो 51 में दैट सर अब कर सकते हैं, नहीं हो पाएगा, दिक्कत होगी फिर। चलिए इसमें भी चलिए पॉइंटर्स को जो है कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि कई लोग मिसगाइडेड इसमें करते हैं, कई लोग आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं। एनी हाउ चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर जानते हैं। अल्टरनेट्स आपका रहेंगे सभी लोग, सॉफ्टवेयर रहेगा, ज्वाइंट फॉर्मलिटीज जो होगा ऑनलाइन के माध्यम से होगी। केंद्रीकृत सभी अनुशासित शिक्षकों की बायोमेट्रिक प्रणाली से पहचान करते हुए ज्वाइनिंग होगी। ये बायोमेट्रिक आपके लिए सभी लोग का किया जा रहा है। हाय सर, हेलो जी, मीनू यादव जी, मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होगा, अभी आप आशा रखिए, होप रखिए। ओके चलिए क्वेश्चन देखें क्या कर रहे हैं। सभी चीज़ें बायोमेट्रिक, जिस तरह से आपने एग्जामिनेशन देने के टाइम में बायोमेट्रिक आपका हुआ था एंट्री के टाइम में, और आप एग्जामिनेशन जब दे रहे थे 2 घंटे के बीच, उस बीच में आपका बायोमेट्रिक हुआ था, उसी के बायोमेट्रिक को फिर से वेरीफाई करेंगे, और आपके जितने भी है आई या फिर आपको आधार डॉक्यूमेंट सारी चीज़ यहाँ पर वेरीफाई होगा ऑनलाइन माध्यम से। उसके बाद ये बायोमेट्रिक हमेशा काम आएगा आपके जब आप लॉग इन, और क्योंकि ये सारी चीज़ें सेंट्रलाइज हो रहा है, तो आप जब आप कार्य जहाँ भी संभालेंगे, जिस भी स्कूल में आप, मैं भी अटेंडेंस के लिए भी यूज होगा, जो कि प्राइवेटाइजेशन एक तरह से कर सकते हैं, प्राइवेट में भी इस तरह से यूज होता है। उपरोक्त के आलोक में आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में अग्रेतर कार्रवाई करते हुए माह अक्टूबर और यानी कि माह ये माह अक्टूबर जो अक्टूबर अभी चल रहा है इसमें 2023 के मध्य में शिक्षकों के योगदान की संभावना को देखते हुए जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र DRCC एवं बैकअप एक बैकअप केंद्र में व्यवस्था स्थापित करने की कृपा की जाए। इन केंद्रों में पर्याप्त संख्या में कंप्यूटर, प्रिंटर, UPS एंड बायोमेट्रिक डिवाइस स्थापित की कृपा की जाए, जिसका पूरा व्यय शिक्षा विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। ये सारी चीज़ें जैसे आपको पता है, एक तो जब गवर्नमेंट चाहेगा इलेक्शन 2 महीने में ले सकता है, जब गवर्नमेंट चाहेगा, चाहे बिहार गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो चाहेगा तो 1 महीने में सब कुछ क्लियर कर सकता है। इसी तरह से बिहार के जो CM है नीतीश कुमार जी, जिसको कुर्सी कुमार आप लोग सभी लोग जानते हैं, और वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वो अगर चाह लिए हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्राइमरी यानी प्रेफरेंस में सब टॉप मोस्ट प्रेफरेंस जो उनका है, एक तो ये कि अगर बिहार शिक्षा में जितने भी लोग हैं उनको चयनित किया जाए और इसके बेसिस पर उनका पोर्टफोलियो बन जाए और वो वोट आप लोग से मान पाए, इसलिए ये तेज़ी से सारी चीज़ कार्यक्रम चल रहा है। तो नो डाउट से ये सारी चीज़ें संभव है, कंप्यूटर, प्रिंटर, UPS ये सारी चीज़ें होगा, शिक्षा विभाग इसका बैक करेगा, मतलब बिहार गवर्नमेंट उस तरह से बैक करेगा। चलिए शिक्षकों की ज्वाइनिंग की तिथि विभाग द्वारा आपको शीघ्र ही सूचित किया जाएगा। इसमें थोड़ा सा यहाँ पर डॉटेड है यानी समझ सकते हैं कुछ होता, और ये विश्वास जन है के पाठक जी, और नेक्स्ट पेज में उनका साइन देख सकते हैं, ये ऑथेंटिकेशन कह सकते हैं कि ये ऑथेंटिक न्यूज़ है, और आज के डेट में ये सारी चीज़ें हैं, नो डाउट इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। ये सारी चीज़ें समझ लिए, आपका सब चीज़ ऑनलाइन पोर्टल पर ऑलरेडी जो आप लोग का 10 डेज एक्सटेंडेड मांग रहा था, 15 से 25 तक रिजल्ट होगा, ज्वाइनिंग होगा, DB इसी के बीच में आपका रिजल्ट जैसे प्रकाशित होगा जल्दी आपका निकल के आ जाएगा। इस न्यूज़ को यहीं पर आपका आई होप कि समझ आ रही होगी, कोई क्वेश्चन रहता है मैं आपका क्वेश्चन देख रहा हूँ, मैं आपको बीच में आपको इंटरटेन भी करता जाऊँगा। सैलरी से रिगार्डिंग लास्ट में बात करेंगे, और आपका जितने भी लोगों का कन्फ्यूजन है आई होप कि सॉल्व हो गया। अभी एक देखिए इसी तरह से इसी संदर्भ में एक और करी जुड़ती है, इस तरह से कि कार्यालय जिला शिक्षा जिसे कि इन्होंने अनुरोध किया था के पाठक जी कर रहे हैं सभी जिला शिक्षक से कि आप अपने अपने योगदान दीजिएगा, जितने भी शिक्षा मित्र हैं जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, जिनको 5 साल 10 साल जो इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कार्य रहे हैं या कार्य करते हैं, वो कल के डेट में आप भी वो सारी चीज़ें काम आपको सौंपा जाएगा। ये सारी चीज़ें जो आपको एक्सपीरियंस होगा इन सारी चीज़ें नॉलेज को हो जाएगा नहीं हुआ। देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को हम ऑथेंटिक न्यूज़ जानने की कोशिश करते हैं। आज ही के डेट का है, भागलपुर जिला का क्या है, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर का है, दिनांक आपका 6/10/2000 की संध्याकालीन BC यानी कि वर्चुअल जो आपका कॉन्फ्रेंस हुआ था, अपर मुख्य सचिव एवं शिक्षा विभाग एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना द्वारा बताया गया है, बिहार के लोक सेवा आयोग पटना द्वारा विद्यालय अध्यापक की परीक्षा ली गई थी। ऑलरेडी ये सेम चीज़ को बता रहा है, प्रकाशन शीघ्र होने की उसका प्रकाशन शीघ्र होने की संभावना है, सफल अभ्यर्थियों के योगदान हेतु
इन प्रक्रिया की दुर्गा पूजा के अवकाश के पूर्व होना चाहिए, यानी उनका सर एक तरह से कह सकते हैं डीपी से पहले, दुर्गा पूजा से पहले सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाना चाहिए। यानी आप लोग को मे भी चांसेज हो सकता है दुर्गा पूजा से पहले आप लोग को नियुक्ति पत्र भी, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक जब हो रहा है तो 2 से 3 दिन में सारी चीज़ कंप्लीट कर देंगे, 2-2 3-3 हज़ार जा बुला करके, क्योंकि सब लोग का हो चुका है, 9 से 12 का ऑलरेडी हो चुका है, रिमेनिंग बचा है 1 लाख लोगों का डीबी होने के लिए, जो कि 1-5 में है, 38 जिला है, 38 जिला में मान लीजिए अगर 2-2 3-3 हज़ार लोगों को भी बुला लिया जाएगा तो आसानी से 1 दिन में 2 दिन वो कंप्लीट कर सकते हैं, 3 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए अब क्या उनका अनुग्रह है या क्या आशा रखते हैं, ये सारी चीज़ें आप जानने की कोशिश कीजिएगा। जी आनंद प्रकाश जी पूछ रहे हैं सर ईवीसी में कट ऑफ, सारे जी मैं आपको लास्ट में डिस्कस करूँगा, अभी आप बने रहिएगा, इन चीज़ों को जान लीजिए, हालांकि आपने न्यूज़ पढ़ लिया होगा लेकिन इसमें हम जो अपना इनपुट डालते हैं आपको जो बताने की कोशिश करते हैं वो आपको इनपुट कहीं और नहीं मिलेगा, इसलिए आप थोड़ा जान लीजिएगा। ऐसे में निर्धारित समय में सफल अभ्यर्थियों के लिए प्रमाण पत्रों का अपलोड करने और योगदान कराने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी कोषांग, सभी जिला पदाधिकारी कोषांग कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी प्रखंड जिला पदाधिकारी कार्यक्रम प्रखंडों में कार्यरत सभी कर्मियों के लिए सभी प्रकार की छुट्टी विद्यालय अध्यापकों को योगदान तक रद्द कर दिया जाए, जो भी डीबी के लिए छुट्टी अप्लाई किए होंगे लीव अप्लाई किए होंगे उनका सभी रद्द कर दिया जाए गया है। सभी पदाधिकारी मंडलियों को निर्देश दिया जाता है कि आप किसी भी प्रकार की छुट्टी से संबंधित आवेदन या कार्यालय कोषांग को नहीं भेजें, जो भी होता है वो अपना नहीं भेजें, यदि आपको किसी प्रकार की छुट्टी आवश्यकता है तो आप संबंधित निदेशालय से अवकाश स्वीकृति करा करके अपने आप को मुख्यालय से प्रस्थापन करेंगे। जिन लोगों को इमरजेंसी होगा वो जाएंगे, नो डाउट, चाहे कुछ भी हो तो कुछ लोग जाएंगे, इसमें ज़्यादा कर्मचारी की जरूरत नहीं है, और जो कुछ लोग की मान लीजिए एक जिला है पटना, पटना में मुश्किल से अगर 10 लोग 20 लोग भी एक्टिव हो जाएंगे तो वहाँ पर 10-20 लोग आराम से 2 से 3 दिनों में 2000-3000 लोगों को निपटा देंगे, इस तरह से ये समस्या ज़्यादा 1 लाख से ज़्यादा डीबी नहीं होने वाले 1-5 में। ये जिला पदाधिकारी है यानी वहाँ के जो डीओ या एसडीओ जो कह सकते हैं पदाधिकारी, वो भागलपुर के निर्देशित किया गया। 7, 10, 11 सभी प्रखंड जिला पदाधिकारी कार्यक्रम पदाधिकारी जिला कार्यक्रम विभाग भागल के ये सारी चीज़ें सूचना है, ये सारी चीज़ें सेम चीज़ें आपको गया में भी देखने को मिलेगा। ये देखिए आपको इसमें एक्स्ट्रा चीज कर दिया गया है, यहाँ पर नाम प्रकाशित नहीं किया है, अभी गया वाले जो पदाधिकारी होंगे उनको उन्होंने थोड़ा और एक्स्ट्रा इनपुट डाला और 21 लोग को जिसे मैंने बताया 10 से 20 लोग ये निपटा देंगे आपके डीबी को, ये मेरा इनपुट आप देखते जाएगा। रवि प्रकाश जी, रवि प्रभाकर, सभी लोगों का क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, ये 77 एससी कंप्यूटर साइंस में प्लीज बताइएगा, हो जाएगा आपको कोई दिक्कत नहीं 57 में। चलिए देखिए इनका इनपुट और भी अच्छे से देखने को मिलेगा, गैप में कई लोगों का अपना अपना कार्य करने का ढंग होता है और इस तरह से ये सारी चीज़ें होता है, तो आप भी जब भी बनेंगे तो आप पढ़ाएंगे कुछ और तरह से, कोई और पढ़ाएगा, हम किसी और तरह से पढ़ाएंगे, सबका अपना अपना होता है। तो यहाँ के जो पदाधिकारी हैं यहाँ तक आप कुछ दिन में ऐसा दिखेगा जो कोई ऐसे जिले होंगे बगल में ये पदाधिकारी के बगल में जो आपके कॉन्टैक्ट करें होंगे तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी देखने को मिलेगा, हालांकि इसमें नहीं मिला हुआ अभी। ये देखिए वीसी यानी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में हुआ दिए गए निर्देश के आलोक में दिनांक 10-10 यानी 10-10 यानी 10 अक्टूबर को बीपीएससी का रिजल्ट यानी घोषित किया जाना निर्धारित है, यानी 10 तारीख को हो सकता है शाम में या फिर मॉर्निंग में सभी लोग का रिजल्ट मिलेगा। अब किन लोगों को मिलेगा, क्या है इनपुट आप जानने की कोशिश कीजिएगा। उक्त के संदर्भ में विद्यालयों का रिक्त प्रतिवेदन समय ससमय यानी समय पर हो रहा है तैयारी का कार्य करने हेतु निम्नांकित लिपि कंप्यूटर ऑपरेटर कंप्यूटर लेखापाल DRO आज 7-10 को माध्यमिक शिक्षा जालौन दे रहे प्रतिनियुक्ति किया जाता है, ये सारी चीज़ें अब देख सकते हैं। ये कम संख्या है 1 से 21 तक, आप इनको अभी जानने की जरूरत नहीं, जो गया वाले हैं वो अपना जान सकते हैं, गया के जो डिस्ट्रिक्ट वाले हैं खास के लिए वो लोग यहाँ जान लीजिएगा, वो कौन है लिपिक हैं MDM है कंप्यूटर ऑपरेटर, ये सारे कंप्यूटर शिक्षक हैं, ये सारी चीज़ें जान लीजिएगा। प्रतियुक्ति सभी कर्मियों को निर्देश दिया जाता है कि दिनांक 8-10 को कार्यालय के में उपस्थित होकर के कार्यालय को निस्तारित करना सुनिश्चित करेंगे। इन लोगों को कल से कार्य मिल चुका है यानी कल 8 तारीख है, उसके बावजूद कल संडे होने के बावजूद भी ये सारे लोग आपके लिए काम करेंगे, ये सारी चीज़ें समीक्षा करेंगे। एनीहाउ ये 2 चीज़ें आपको ये करता है कन्फर्मेशन कि ये सारे ऑथेंटिकेशन है, न्यूज़ है, और ये आपको इस पर विश्वास करना होगा। कई लोग बोल रहे थे सर इसमें फेक न्यूज़ है, कई लोग मेरे पास मैसेज आया था इस पर कन्फर्मेशन दीजिएगा, तो एक तरह से ऑथेंटिकेशन है। अब चर्चा अगर आपके डाउट्स कोई क्लियर रहता, क्योंकि मुझे पता है अभी कभी कुछ लोग डाउट्स पूछेंगे, डाउट्स आएगा
चलिए डाउट्स से हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। कहीं भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है, अब बीएड डीएलएड के बारे में भी चर्चा करेंगे, थोड़ा देर आप वेट कर लीजिएगा। देखिए यूट्यूब पर सभी लोग गलत आपको कट ऑफ बता रहे हैं, अभी इसके चर्चा मत फंसिएगा। बीएड को शामिल होता है तो उलट पुलट हो जाएगा, अगर खास करके पीआरटी के लिए बात करें 1 to 5 के लिए, जो यहाँ पर लिखा हुआ 1 to 5 पीआरटी के लिए। अगर डॉक्यूमेंट्स में गलती होता है तो क्या कर ले, अभी आपके पास टाइम है, 2 से 3 दिन 4 दिन 5 दिन का टाइम है। जितने भी लोग का स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं उनको खास के लिए आपको कहूँगा आप एफिडेविट बनवा लीजिए, उसका रहेगा 1 साल वैलिडिटी रहता है या 6 महीना कहीं कहीं रहता है तो उसको ले लीजिएगा। इन छात्रों की नौकरी पक्की होगी, जिन लगा मैं आपको बताऊँ वो लास्ट में बताऊँगा, ये टीआरई का आपको फाइनल करना पड़ेगा। इसके बाद कोई भी चर्चा नहीं करेगा, कोई भी आपको क्वेश्चन रहेगा, एक दो क्वेश्चन ले लेता हूँ। प्रदीप झा का क्वेश्चन है, सर फ्रीडम फाइटर में CSA 40 करेक्ट है, हो जाएगा, चांसेज है। नेक्स्ट मोनू कुमार 58 में डीएलएड में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, अगर बीएड को भी कंसीडर किया जाएगा तो भी आपका चांसेस बनता है। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा सेफ स्कोर जो कितना होगा, सभी लोग को एक बार कंटिन्यू कर दीजिएगा, एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी लोग, एनी हाउ इसमें करना भी बेकार लेकिन फिर भी आप कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट्स इस तरह से रहेगा। सभी लोग पूछ रहे थे सर एक बार सैलरी, हालांकि इसमें डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे हम, लेकिन बस ये जान लीजिएगा 1 to 5 में रहेंगे तो ऑलमोस्ट इतना सैलरी मिलेगा, 6 to 8 में 45,000 के आसपास मिलेगा, 9 से 10th वाले को 49,630 रुपये मिलेगा, और 11 से 12th वाले को आपको 51,130 रुपये मिलेगा। इस 40D आपको पता है, HRA, ये सारी चीज़ें वेरी करेगा, डिपेंड करता है आपके ग्रामीण इलाका में पड़ता है, शहर में पड़ता है, कहीं कहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट पर आप चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट्स आपके लिए इस तरह से रहेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स इस तरह से रहेगा, देखिएगा मैंने आपको बताया था लास्ट में पीआरटी के लिए आपको डिस्कस किया था कि आपका अगर डीएलएड कंसीडर नहीं होता है तो ये आपका कटअप रहेगा, अगर डीएलएड कंसीडर सॉरी बीएड अगर कंसीडर नहीं होता है तो, अगर बीएड कंसीडर करता है यानी बीएड के पक्ष में रिजल्ट आती है जो कि इसके चांसेस, क्योंकि अब बिहार गवर्नमेंट्स अगर कोई संस्था या संग्रहालय चलता है तो उसके पक्ष में थोड़ा सुप्रीम कोर्ट का एक वाद जो होता है ऑलरेडी पक्ष थोड़ा मजबूत हो जाता है, और कोई सिर्फ बीएड वाले आते हैं तो फिर दिक्कत होती, बीएड वाले सिर्फ अपना पक्ष रखते हैं तो उनका दिक्कत होती, पटना हाईकोर्ट ऑलरेडी फटकार लगा चुकी है। सेम केस आपका छत्तीसगढ़ में हुआ, लेकिन अब यहाँ पर अपना तर्क जा करके रख रहे हैं बिहार गवर्नमेंट्स कि मैं ऑलरेडी एग्जामिनेशन ले रहा हूँ, या फिर ये भी कह सकते हैं ये सारी चीज़ें दिखाने का ये भी प्रूफ हो सकता है, जो आपके सामने ये दिखाया मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट्स, ये भी एक प्रूफ हो सकता है कि वो अभी दिखाना चाहते हैं मैंने सारा चीज़ कर लिया है, मेरा एग्जामिनेशन हो चुका है, मैंने रिजल्ट प्रकाशित कर रखा है, मेरे पास रिजल्ट ऑलरेडी मैंने बैकअप में रख लिया, आपको प्रकाशित नहीं हुआ, सभी लोग को दिया नहीं गया है, लेकिन ये सारी चीज़ें प्रूफ बनाने के लिए बिहार सरकार, क्योंकि SLP जो दायर किया कुछ ना कुछ वो सुप्रीम कोर्ट का है, अपना प्रूफ देना चाहेंगे। इसी के समकक्ष में अभी बिहार की मानसा क्या है ऑलरेडी आप लोगों को सभी लोगों को पता है, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने वोट की राजनीति से मतलब है, वोट किसी तरह से उनको ज़्यादा ज़्यादा मिले, और आप लोगों को सभी लोगों को पता है वोट कहाँ पर मिलने वाले उन लोगों को, बीएड में संख्या ज़्यादा है इसलिए वहाँ पर ज़्यादा मिलेगा, इसलिए वो सपोर्ट बनाने के लिए बैकअप बनाने के लिए कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें तेजिस कर रहे हैं, जो बिना बताए पहले डेट निकला कि 15 से 25 के बीच में हम रिजल्ट प्रकाशित करेंगे, और अचानक आपको बताया जा रहा है 10 तारीख को रिजल्ट होगा, 9 से 12 वाले का पहले आएगा, फिर आपका 1 to 5 का आएगा, 9th यानी 9 तारीख का आपका सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट आएगा, हो सकता है SLP का उसी दिन रिजल्ट आ जाए, हो सकता है नेक्स्ट तिथि मिल जाए, नेक्स्ट तारीख मिल जाए, कुछ भी अभी कहना संभव नहीं, लेकिन एक हाइपोथेटिकली हम ले सकते हैं कि अगर बीएड को कंसीडर नहीं किया जाएगा तो ये आपका कटअप रहेगा यूआर के लिए 54 से 59 और फीमेल के लिए 48 से 52। अगर मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा बीएड को कंसीडर करने के बाद क्या होगा, ईडब्ल्यूएस का रहेगा इस तरह से, फीमेल के लिए ईडब्ल्यूएस का रहेगा, ईबीसी का आप देख सकते हैं, ओबीसी का और SC ST के लिए देख सकते हैं, फ्रीडम फाइटर वाले जितने भी 40 प्लस के आसपास में रहेंगे या 35 प्लस जितने भी लोग फीमेल हैं उसमें चांसेस रहेगा। अगर बीएड में कंसीडर करेंगे तो 7 से 8 नंबर यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, 7 से 8 नंबर इंक्रीज होने के बाद यानी लगभग 62 से लेकर के 67-68 के आसपास चला जाएगा पीआरटी के लिए। सिमिलरली आपका यहाँ भी ये सिचुएशन होगा, अगर आप फीमेल के लिए रहेंगे ऑलमोस्ट आपका 40-50 लगभग आपका चला जाएगा 57 से लेकर के 62 के आसपास में रहेगा, और सिमिलरली EWS की अगर बात करें PRT में कम से कम आपका जाएगा 56 से आसपास या 55 से लेकर के 60-61 तक आपका चला जाएगा। फीमेल की बात करेंगे तो इसमें आपका लगभग 52 से लेकर के 57 तक चला जाएगा। EBC में सिमिलरली इसमें 7-8 नंबर ऐड कर लीजिएगा, सिमिलरली इसमें भी 7-8 10 और 7 से
आठ नंबर करते चले जाएगा, इस तरह से रहेगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। कोई क्वेश्चन रहता है मैं कोई दो चार क्वेश्चन लूँगा, उसके बाद इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर देंगे। सर प्लीज़ बोलिएगा 67 में EBC में डिले हो जाएगा, 67 दैट्स अ गुड नंबर, EBC में कोई दिक्कत नहीं होगा अगर BEd शामिल होता है तो भी। नेक्स्ट है फ्रीडम फाइटर।